हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी बीच में कुछ दिनों पहले एक चर्चा हुई थी, जो लोग सिविल से डिप्लोमा किए हैं उन लोगों के लिए कुछ दिन पहले LRC का फॉर्म आया था और वह पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इसके बाद BTSC JEE का 10/4/2023 को उसका भी नोटिफिकेशन आ गया कि उसको भी पूरे तरीके से जो है कि कैंसिल कर दिया गया वैकेंसी को। अब नए सिरे से आप लोगों का जो है कि जो संविदा पर होगा, बिल्कुल आपको किस तरीके से प्रक्रिया है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा और किस तरीके से आपका जो है कि आप विशेष सर्वेक्षण अमीन में, यानी कि जो मैंने बताया था कि 8,244 पद आने वाला है, वह बिल्कुल सौ समय आपको बोला गया था, पेपर में दिया गया था कि 3 मंथ के अंदर में आप लोगों का सिलेक्शन जो है कि हो जाना है। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, तो आज देखिए 11/4/2023 को आज नोटिफिकेशन आया कि किस तरीके से जो है कि आपका सिलेक्शन होना है, सिलेबस बनाया गया, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन में विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण, यानी कि पहले जो है कि नंबर बेसिस से होता था, अब क्या किया गया है, आपको एग्जाम लेके तब जो है कि यह चीज किया जाएगा। तो इसमें आप लोग अभी से तैयार हो जाइए, जब से वीडियो देख रहे हैं आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा आपको पता ही है कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग जनरल से उनका तो कोई बात नहीं है, जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं जैसे SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, EBC हो गए, या जो भी कास्ट में आप आते हैं, बिल्कुल अच्छे से नए तरीके से सारा चीज अब ऑनलाइन होता है। अभी तुरंत देखिए और मोबाइल से जो है कि ऑनलाइन कर दीजिए, या कल आपके कोई कैफे वाले जान पहचान में होंगे तो उनसे जाके करवा लीजिएगा, आप अपना कास्ट बनवा लीजिएगा, इनकम बनवा लीजिएगा और रेसिडेंस आपका बिहार का होना चाहिए, ठीक है, चूंकि यह BCEC के तहत है तो BCEC वालों का यह नियम रहता है। उसके बाद 10th का डॉक्यूमेंट सारा चीज आपके पास होगा, 12th किए होंगे 12th का होगा, डिप्लोमा किए होंगे डिप्लोमा में जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला होगा सारा चीज आपके पास में होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि गलती करना नहीं है, एकदम लेटेस्ट फोटो खिंचा लेना है, लेटेस्ट फोटो आपको देना है, ठीक है, ये सारा चीज हो जाना चाहिए। जो लोग EWS में आते हैं EWS सर्टिफिकेट, जो लोग DQ में आते हैं DQ सर्टिफिकेट, सारा चीज अपना अपना डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से सारा चीज कर लीजिए, जिस डॉक्यूमेंट्स की कमी है सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज मेरा बात देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से विशेष सर्वेक्षण अमीन का जो है कि कुल रिक्ति तो बता ही दिए कि 8,244 ज्यादा ही मात्रा में होता है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या बात होती है कि UR यानी कि अनरिजर्व के लिए सीट जो है कि 3,525 है, SC में जो आते हैं SC के लिए 1,301 है, ST में जो आते हैं ST वालों के लिए 75 सीट है, जबकि EBC के लिए 1,422 सीट है, BC के लिए 917 सीट है, RCG रिजर्व कैटेगरी गर्ल जो आती है उनके लिए 282 सीट है और EWS के लिए 722 सीट है, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि वेतन कितना मिलेगा, वेतन जो है कि इसमें से 31,000 जो है कि रुपए है आपको, अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो उसका 4,000 रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा 12 मंथ यानी 1 साल के लिए दिया जाना है। क्या है, 1/1/2023 को 18 साल आपका हो जाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम तो छोड़ ही दीजिए, 1/1/2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए अमीन के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो आपका आता है परीक्षा की प्रक्रिया, सबसे मेन पॉइंट आता है परीक्षा की प्रक्रिया कैसे होनी है, तो यह परीक्षा जो है कि आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। दूसरा चीज, कंप्यूटर बेस्ड अभ्यर्थियों की संख्या 1 से यानी ज्यादा अगर विद्यार्थी हो जाएगा तो 1 से अधिक पाली में एग्जाम लिया जाएगा, ये कहा गया है। उसके बाद कहा गया कि इसका जो है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क, नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है उस आधार पे मार्क्स दिया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा जो होगा 2 तरह का होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन होगा और आपके इंग्लिश में भी सवाल होंगे। परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन जो होगा MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, प्रत्येक सही के लिए 4 नंबर मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक सही के लिए 4 नंबर मिलेंगे
और चार गलत होगा तो एक नंबर आपका कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चार गलत होगा तो एक नंबर कटेगा, एक सही होगा तो चार नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद दिया गया कि ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट परीक्षा जो होना है उसमें टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होंगे और जो है कि आपको परीक्षा जो लिया जाएगा वह 2 घंटे 15 मिनट की एग्जाम होगी, ठीक है। और जो है कि इसमें क्वेश्चन 2 खंड में रहेगा, वो सारा चीज बाद में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपका जो है कि किस तरीके से फॉर्म भराना है, ये सारा चीज डिटेल दिया हुआ है। अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो आपको इस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज देख लीजिए कि यह आवेदन जो है कि आपको कब से शुरू हो रही है, तो यह आवेदन आपको 13/4/2023 यानी कल छोड़ दीजिए, परसों से जो है कि आपको ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और जो है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट है जो है कि 12 मई 2023 को है। उसके बाद जो है कि एडिट करने का ऑप्शन 18/5/2023 यानी 18 मई को दिया गया, 18 से 20 मई तक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को गलती नहीं करना है, गलती करिएगा ही नहीं तो एडिट करने का कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए सोच समझ लीजिए, ना ही जल्दबाजी करना है ना ही लेट करना है, मिडिल में अच्छे तरीके से फॉर्म को एकदम सही सही भरना है, क्योंकि यह आपके करियर की सवाल है, आपके नौकरी की सवाल है। उसके बाद देखिए यहाँ से एडमिट कार्ड बोला कि यथावत सूचित कर दिया जाएगा, बने रहिएगा चैनल पे, बता देंगे। प्रपोज डेट ऑफ सीबीटी यह भी बता दिया जाएगा कि कब एग्जाम होना है। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्म भराया, फॉर्म भराने के कुछ ही दिन के बाद जो है कि आपका एग्जाम ले लेगा, एकदम 3 महीना के अंदर में जिस तरीके से प्रोसेस दिया है कि हो सकता है कि जल्द ही आप लोगों का नियुक्ति कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मेरिट लिस्ट वगैरह सब, तो वो सब छोड़ दीजिए, आप आते हैं मेन मुद्दा पे कि अभी तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी पहला बार जो है कि एग्जाम होगा, पहला बार एग्जाम होगा तो इसका सिलेबस जो है, आप लोगों का सिलेबस बनाया गया था, सिलेबस में देखिएगा कि आप लोगों का सिलेबस जो दिया गया है विशेष सर्वेक्षण हम इनके लिए दो चीज दिया गया है, सेक्शन ए में है सिविल इंजीनियरिंग, जो आप डिप्लोमा में पढ़े हैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक सारा चीज दे दिया है, और दूसरा में देखिए दिया हुआ है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से यानी 75 सवाल आपके टेक्निकल जो सवाल होंगे वह 75 सवाल होंगे और जनरल स्टडीज के 25 सवाल होंगे यानी कि 100 सवाल। आपको बता दिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए 75 सवाल आपके ट्रेड से, 25 सवाल जो है कि जनरल स्टडीज के रहेंगे। तो अब देखिए कि यहाँ से जो सिलेबस जो दिया गया था आप लोगों का, यह सिलेबस जो बनाया गया है किस तरीके से बनाया है, एकदम बिल्कुल देखिए क्या क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा चर्चा कर देते सिविल वाले पे। देता है मैथमेटिक्स दिया हुआ, अब कौन सा मैथमेटिक्स, क्योंकि खंड ए में दिया हुआ है तो आप इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लैम्डा फैम्डा झम्डा से सारा चीज आ जाएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बेसिक सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजिकल, हाइड्रोलिक्स दिया हुआ, एडवांस सर्वेइंग दिया हुआ, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्रॉइंग दिया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग प्रोग्राम, इलेक्टिव इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एडवांस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम, इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव COE, ये दिया हुआ आपके खंडे यानी कि आपके यानी कि ब्रांच से पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है कि जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज में देखिए भैया और लिख दिया है मेंटल एबिलिटी एंड दिया गया है इंडियन लैंग्वेज, तो 3 चीज है जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग रहवे करेगा, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या रहेगा। तो इसके लिए देखिए कि बहुत ही दिया हुआ है, तो इसका अगर आपको नोटिस देखना है तो अपना टेलीग्राम चैनल है डायमंड मैट्रिक, डायमंड मैट्रिक पे जाइए, वहां पे ये भेज देंगे। नहीं तो किसी पर विश्वास नहीं करना है तो आप सीधा सीधी BCECE बोर्ड टाइप कीजिए, आपका वहां पे आएगा, बगल में ऑनलाइन पोर्टल ऑफ LRC आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा चीज आपको वहां से मिल जाएगा। नहीं तो अपना डायमंड मैट्रिक चैनल टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी बात अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए,
और अगर आप चाहते हैं कि सर थोड़ा सा हेल्प हो जाए तो दूसरा चैनल है बगल में जो है कि लोगो दिख रहा हुआ डायमंड नन टेक, जिसपे कि आपको रीजनिंग जीके जीएस सारा चीज आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो उस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।